नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट और आपके साथ मैं प्रियंका तिवारी। आज पूरे देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इसी को लेकर राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन ने भी डोरंडा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण की और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देखिए उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, ना देश के अंदर ना दुनिया के अंदर। और चमक रहे और संयोग से ऐसे समाज से वो आते हैं और उस समाज के अंदर इतनी बड़ी और इतनी मजबूत इरादे का व्यक्ति भी कह सकते हैं और सोच जो एक देश के सभी समाज सभी धर्मों को सभी लोगों को ध्यान में जो अपने दिमाग में रखता और एक ऐसा संविधान देश को देता जहां हर वर्ग हर समाज अमीर गरीब मजदूर किसान हर तबके के लोगों को एक दूसरे का वो सम्मान देता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन है और ये व्यक्ति हमारे लिए गौरव के प्रतीक है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर डोरंडा स्थित उनकी प्रतिमा पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संयोग से वे एक ऐसे समाज से आते थे जो वर्षों से उपेक्षित रहा। ऐसे समाज से आने वाले व्यक्ति की सोच और कर्म इतनी बड़ी रही कि देश को एक ऐसा संविधान दिया जो अमीर गरीब ऊंच नीच छोटे बड़े के भेदभाव को समाप्त करता रहा। ऐसे महान व्यक्ति को हम नमन करते हैं। सभी को बाबा साहेब से सीख लेने की जरूरत है।